हेलो स्टूडेंट्स, मैं बायोग्यास आपका डायमेटा क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे व पीएम मोदी की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का लाइफ चेंजिंग थॉट है, जितने वाला कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। कि जो भी अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त करता है, वो कोई कुछ अलग कार्य नहीं करते, वे वही कार्य अपने अलग ढंग से अपनी कड़ी मेहनत के साथ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्लास में हमने सम ऑफ एंटम्स तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने सम ऑफ एंटम्स से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं उन्हीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, सो आप इनको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ फॉलोइंग सीरीज हूज nth टर्म इज। आपको स्टूडेंट्स nth टर्म गिवन है, आपको सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स निकालना है। आपको n टर्म गिवन है, जैसे कि ए एन इक्वल टू 3 + 4n, ये आपको nth टर्म आपको गिवन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम कैसे इसमें सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, जो गिवन है उसको लिखेंगे, nth टर्म ऑफ सीरीज ए एन क्या होगी, 3 + 4n। तो स्टूडेंट इससे हम बाकी टर्म्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, n की वैल्यूज हम पुट करेंगे। अब व्हेन n इक्वल टू 1, तो हम n की वैल्यूज में पुट करेंगे, n इक्वल टू 1 लिखेंगे, तो ए वन की वैल्यू फाइंड आउट होगी, तो कितना होगा स्टूडेंट्स, 3 + 4 हो गया 7। सिमिलरली स्टूडेंट्स ए टू फाइंड आउट करेंगे, 3 + 4 × 2, तो 3 + 8 ये हो गया स्टूडेंट्स आपका 11। सिमिलरली अगेन ए थ्री 3 + 4 = 3 ये हो जाएगा 3 + 12 इक्वल टू आपका हो गया 15। तो ऐसे स्टूडेंट्स हमने ए वन ए टू और ए थ्री ये थ्री टर्म्स फाइंड आउट कर ली। अब आगे हम लिखेंगे, अब ये फाइंड आउट होगी तो आप कॉमन डिफरेंस भी बता सकते हैं दो टर्म्स के कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है। तो 11 - 7 करते हैं तो आपको मिल रहा है स्टूडेंट्स 4 मिलेगा, देन 15 - 11 कर रहे हैं तो वहां पर भी 4 मिल रहा है, मतलब आपका कॉमन डिफरेंस कितना है 4। तो आप यहां लिखेंगे, सो द नंबर ऑब्टेन्ड आर क्या है, 7, 11, 15 विच इज एन एपी। एपी आ रहा है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सब में क्या है, सेम है, तो उसकी फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म आपको ए मिला है 7 एंड कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया +4 हो गया, तो आपके पास अब ए है और डी है स्टूडेंट्स। तो देखिए आपको सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। सम ऑफ एन टर्म्स का हमने स्टूडेंट्स फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ एन टर्म्स, सम का फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या था स्टूडेंट्स, एन बाय टू 2a + n - 1 d, और आपको क्या निकालना, सम ऑफ 25 टर्म्स, देयरफॉर सम ऑफ 25 टर्म्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, n की जगह 25 पुट करेंगे, 25 / 2, 2 a की वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 प्लस 25 - 1 और d आपका 4 है, तो 4 हमने पुट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद देखो क्या होगा, आपका एस एन इक्वल टू, एस एन किसके इक्वल हो जाएगा 25 / 2, इसको एज इट इज लिखते हैं हम 25 / 2,
देन 7 टू 14, तो अंदर लिखेंगे 14 प्लस 25 माइनस 1 24 4 कितना होगा स्टूडेंट्स 24 4 96 देन 25 बाय 2 96 प्लस 14 ये स्टूडेंट्स आपके हो गया 110 हो जाएगा स्टूडेंट्स ओके देन 2 110 कट जाएगा 55 टाइम्स तो आपके पास 55 मल्टी 25 करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 1375 ये हो गया आपका S25 हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे भी लिख सकते हैं S25 तो इस तरह से हमने स्टूडेंट्स सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकाल लिया आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा तो मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ जिसको आप घर पे प्रैक्टिस करना और उससे अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं एज सून एज पॉसिबल मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा An=7 - 3 है तो स्टूडेंट्स इसकी भी आपको सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स फाइंड आउट करना है तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की ओर जिसमें आपको क्या निकालना है सम ऑफ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 250 एंड 1000 क्वेश्चन नोट कीजिए स्टूडेंट्स फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 250 एंड 1000 तो आपको सम ऑफ एन नेचुरल नंबर फाइंड आउट करने हैं बिटवीन डिविजिबल बाय जो 3 से डिविजिबल है और 250 और 1000 के बीच में तो देखो स्टूडेंट्स हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो लिखिए स्टूडेंट्स इट इज क्लियर दैट अब आपको नंबर कहां से फाइंड आउट करना है 250 और 1000 के बीच तो हम देखेंगे कि कौन से नंबर से 250 और 1000 के बीच जो 3 से डिविजिबल है तो हम देखेंगे इट इज क्लियर दैट बिटवीन 250 एंड 1000 नंबर डिविजिबल बाय 3 आर तो 3 से डिविजिबल क्या होगा 250 तो नहीं होता 251 वो भी नहीं होगा देन 252 नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 255 नेक्स्ट 258 इस तरह स्टूडेंट से चलता रहेगा और लास्ट 999 तक ये चलता रहेगा और ये क्या है एपी की फॉर्म ले लेगा तो विच इज एपी एपी है तो एपी है तो उसके फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा ए इक्वल टू कितना हो गया 252 और कॉमन डिफरेंस इसके में कितना है 3 हो गया स्टूडेंट्स और आपके पास अब लास्ट टर्म भी है लास्ट टर्म क्या होती है ए एन और एल कितनी है 999 तो आपके पास तीन चीज आ गई ए आ गया डी आ गया और एल आ गया स्टूडेंट्स तो अब आप एन फाइंड आउट कर सकते हैं एन मिलेगा आपको सबसे पहले देखो सम नेचुरल नंबर फाइंड करना है सम फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए एन चाहिए तो हम इस इन वैल्यूज से पहले तो एन फाइंड आउट करेंगे फिर उससे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर फाइंड आउट करेंगे तो देखो स्टूडेंट्स एन हम फाइंड आउट करेंगे nth टर्म वाले फॉर्मूले से क्या है वो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी तो ए एन कितना है 999 प्लस ए 252 प्लस एन माइनस वन और डी आपका 3 999 माइनस 252 एंड माइनस 13 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा 747 एंड माइनस 1 और ये जो 3 है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा इसको कैंसल आउट करते हैं स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा 249 तो 249 इक्वल टू एन माइनस 1 तो यहां से एन की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 इधर शिफ्ट होगा तो एन की वैल्यू आ गई प्लस 250 तो एन इक्वल टू आपका हो गया स्टूडेंट्स 250 अब आपको एन मिल गया ए है आपके पास
और लास्ट टर्म में, तो आप सम ऑफ एन टर्म्स निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए हम आगे करते हैं इसको। अब आपको क्या निकालना है, सम निकालना है, रिक्वायर्ड सम एस एन। ओके, क्या है फॉर्मूला, एन बाय टू ए प्लस एल। एन कितना निकाला आपने, 250 अपॉन 250 और अपॉन 2 हो गया। फर्स्ट टर्म आपकी थी स्टूडेंट्स 252 प्लस लास्ट टर्म क्या है 999 स्टूडेंट। तो अब इसको देखिए कैसे होगा, 252 तो इसको 250 अपॉन 2, इसको ऐसे रहने देते और इनको ऐड करते हैं। इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये आपको मिलेगा 1251। 250 से कट जाएगा 125। अब 125 मल्टीप्लाई बाय 1251 अब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 156375। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने इसका सम ऑफ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 250 एंड 1000 का सम फाइंड आउट कर लिया। तो लास्ट लाइन लिखेंगे, थस सम ऑफ एन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 250 एंड 1000 विल बी 156375। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है, और मैथ्स में आपको हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, इसलिए आपको कोई भी स्टेप स्किप नहीं करनी है, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते रहना है, तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आप घर पे प्रैक्टिस करना। तो स्टूडेंट नोट कीजिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड नंबर्स डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 1 एंड 1000। देखो स्टूडेंट्स इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ ऑल ओड नंबर डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 1 एंड 1000। तो स्टूडेंट्स देखिए, वंस अगर अपन, अब मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं, तो वंस के और 1000 के बीच में डिविजिबल नंबर्स क्या हो जाएंगे, देखो डिविजिबल नंबर अगर देखते हैं हम तो ये हो जाएंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18 और ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा 990 तक स्टूडेंट्स ये डिविजिबल होंगे। ओके, लेकिन आपको क्या बोला है कि ऑल ओड नंबर बोला है, सिर्फ ओनली ओड लेना है। यहाँ पे देखो 6 इवन आ रहा है, ये इवन आ रहा है, ये इवन आ रहा है, तो सिर्फ आपको ओड लेना है। तो 3 के बाद ओड कौन सा आ रहा है, 9, डिफरेंस कितना है प्लस 6। सिमिलरली 9 के बाद ओड कौन सा आ रहा है, 15, डिफरेंस कितना आ रहा है प्लस 6। इसके बाद अगेन 21, डिफरेंस कितना है 6। तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, डी ए हो गया आपका 3 और लास्ट टर्म होगी आपकी 999। तो स्टूडेंट्स इससे आप एन फाइंड आउट कर लो और आपको एन मिल जाएगा, तो फिर आप सम ऑफ ऑल ओड नंबर फाइंड कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा और आज का ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर, और अभी तक आपने डायमीटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब डायमीटर क्लासेस फॉर मोर अपडेट्स, मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। स्टे होम, स्टे सेफ, इंडिया फाइट्स कोरोना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।